जब आपके मन में धर्म ज्यादा हो, धर्म करने के विचार हो, धर्म करने के नए नए आइडिया हो, अच्छी थॉट आपके मस्तिष्क में पनप रहे हो, जन्म ले रहे हो अच्छे थॉट, अच्छे विचार, समझ लेना कि आप सतयुग में हो। जहां धर्म की अधिकता हो उसे धर्म कहते हैं, सॉरी उसे सतयुग कहते हैं। जहां धर्म की अधिकता हो उसे क्या, कौन सा युग कहते हैं? जोर से, जब आप धर्म ही करना चाहें, मेरे द्वारा ये भला हो जाए, मेरे मैं ये कर लूं, मैं अच्छे विचार, आप भले अपने घर में हैं पर अच्छे विचार आपके आसपास हैं, तो आप घर में भी सतयुग में ही हैं। अच्छे विचारों से आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। त्रेता युग, जब आप अपने कर्म के लिए बढ़ते हैं, मैं ये काम कर लूं, मेरा काम करना जरूरी है, काम डॉक्टर का काम है सुई लगाना, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, डॉक्टर का काम है मरीज का विधिवत इलाज करना, वो अपने कर्म में लगा हुआ है। मींस यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से अपने उस मरीज का इलाज करे, ये मानकर कि ये भगवान के रूप में मरीज है, एक दुकानदार ग्राहक के साथ भगवान के तुल्य व्यवहार करे कि मेरे द्वार पे आया अतिथि देवो भव, ग्राहक भगवान है, इस व्यवहार से ईमानदारी से व्यवहार करे और ईमानदारी से कमाए, तो वो त्रेता युग में है। जहां कर्म प्रधान हो, जहां क्या प्रधान हो, धर्म प्रधान हो तो सतयुग, कर्म प्रधान हो तो त्रेता, और द्वापर में क्या है आप बताओ? द्वापर में जहां प्रेम हो, जब आपके हृदय में प्रेम जाग जाए बच्चों के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, गाय के लिए, अपनों के लिए, छोटे से खेलते बच्चे के लिए, किसी को दयावश आपके प्रेम जाग जाए, अरे राम राम देखो कितना परेशान है, प्रेम पूर्वक आप उसकी मदद कर दें, हेल्प कर दें, जब आप प्रेम में प्रवेश करते हैं, प्रेम है ना, तो आप द्वापर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है और त्रेता में राम जी ने कर्म और सतयुग में धर्म। सतयुग में क्या है? धर्म। त्रेता में क्या है? कर्म। और द्वापर में प्रेम। द्वापर में प्रेम है, गोपियों से प्रेम, यशोदा माँ से प्रेम, प्रेम है तब तो माँ बांधती है ना, भगवान जगत के पालनहार को कोई बांध सके पॉसिबल है? मैया जगत के पालनहार को कोई बांध सकता है? मैया ने बांधा ना, यशोदा मैया ने उखल से, किस लिए बांध दिया? क्योंकि गोपियों ने भगवान को नचाया, ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे, नाच नचावे लाला, थोड़ा नाच के दिखाओ हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी। जो जगत को नचाने वाला है वो छाछ के लिए नाच रहे हैं, किसके कारण? किसके कारण? गोपियों के घर घर जाके मटकी तोड़ना, माखन खाना, क्यों, किसके कारण? गोपियां बुलाया करती थी, जिस दिन भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे, गोपियां रोया करती थी कि आज हमारे घर क्यों नहीं आए, अरे माखन खाने के बहाने भगवान उन गोपियों के घर जाया करते थे, जो गोपियां लाज के कारण, उस जमाने में ना पर्दा था कि बहू बेटियां, नई नई बहुएं घर से बाहर ज़्यादा निकला नहीं करती थी, तो जो बाहर जा नहीं सकती थी उनके लिए भगवान उनके घर में जाके माखन खाने के बहाने उन्हें दर्शन देने जाया करते थे। ये माखन चुराना नहीं है, उनको दर्शन देना था, जो दर्शन करने यशोदा मैया के घर नहीं आ सकती थी। तो भगवान जा जा के क्या करते हैं? प्रेम लुटाते हैं। रास रचाना मतलब क्या था? प्रेम था। गैया चराना मतलब क्या था? गायों से प्रेम था। ग्वाल वालों के संग खेलना क्या था? प्रेम था। तो द्वापर में क्या है? जोर से, मैया द्वापर में क्या है? पीछे वाली मैया द्वापर में क्या है? और सतयुग में, सतयुग में क्या है? पीछे मैया बताओ, मेरी माँ सतयुग में क्या ज्यादा है?
धर्म, त्रेता में, त्रेता में और द्वापर में। अब कलयुग में आप बताओ, बताओ कलयुग में क्या है? कलयुग में ज्यादा क्या है? कलयुग को कैसे पहचानेंगे कि कलयुग है? पहचान, हर युग की अपनी पहचान होती है, हर चीज की पहचान, सोने की पहचान, हीरे की पहचान, पन्ना, पुखराज, सबकी पहचान होती है। अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, अच्छी चीज, बुरी चीज की एक पहचान होती है। कलयुग की पहचान, कलयुग में काम मीन्स विषय वासना। जब आपके मन में विषय वासना जाग जाए, समझ लेना कलयुग सवार हो गया है। जब आपके हृदय में धर्म जागे, समझ लेना सतयुग आ गए, सतयुग सवार है हमारे अंदर। जब कर्म जागे, आप त्रेता में आ गए। जब प्रेम जागे, आप द्वापर में आ गए। और जब काम वासना जाग जाए, आप कलयुग में प्रवेश कर गए। ये है कलयुग। कलह जहां हो वही तो कली है, इसका नाम है कलयुग। कली, कली मीन्स कलह। जहां कलह हो, जिसके कारण कलह हो, वही कलयुग है। कली का प्रथम काम है कलह कराना, और शराब कलह का मूल कारण है। शराबी आदमी कलह, लोग कहते हैं ना बहुत कलह, ये कलह मीन्स गांव का शब्द प्रयोग है ये, कलह गांव, अरे बहुत कलह करता है। कलह जानते हैं साहब? कलह मीन्स ये गांव की भाषा है, बहुत कलह करता है मीन्स बहुत झगड़ा करता है, बहुत परेशान करता है। तो कलयुग जो कलह कराए, जो परेशान करे, जो परेशान कराए, वो कलयुग। और शराब इसका पहला स्थान है। कलयुग जब भी सवार होगा आप पर, तो शराब के माध्यम से। इसलिए शराब ना पीजिए साहब, आपकी भलाई है, है ना? समाज के लिए आप बहुत कुछ सिखाने वाले बन सकते हैं। हम जैसे बच्चों को आप बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे तो रहते होंगे हम जैसे, समझाओ बेटा सही रास्ते पे चलो। हमारे देश का बुजुर्ग जिम्मेदार हो गया तो बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे। बुजुर्ग ही तो जिम्मेदार नहीं है, आप जैसे लोग। शराब पीना मतलब गैर जिम्मेदार। जो शराब पी रहा है वह गैर जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि वह अपने परिवार को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भाई बाप शराब पिएगा तो बेटा क्या सीखेगा? आप शराब पी के अपनी पत्नी से लड़ेंगे, आप शराब पीकर अपनी माँ से लड़ेंगे, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, आपसे क्या प्रेरणा लेंगे वो? इसलिए हमारी गलती का परिणाम हमारी संतान ना भोगे, ये ख्याल रखना चाहिए। हमारी गलती से कल को आपका बेटा शराबी हो गया तो आप अपने आप को जीवन भर माफ ना कर पाएंगे। एक सज्जन मेरे पास आ गए, वो यहां पे कैंसर हो गया, उनके मुंह पे कैंसर हो गया। हमने पूछा क्यों कैंसर? वो कुछ खा नहीं पाते। अब उनके यहां पे नली पड़ी हुई है यहां पे, तो यहां से सबको लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं। हमने कहा ये सब क्या हाल हो गया? बोले महाराज जी गुटखा खाते थे, कैंसर हो गया। हमने कहा अब खाते हो? नहीं नहीं अब नहीं खाते। हमने कहा तो पहले ही ना खाए होते तो ये दुर्गति ना होती। रोने लगे। महाराज जी क्या बताएं, अब वो आदमी, मैंने कहा अब आपको माफी तब मिलेगी जब आप और लोगों को गुटखा खाने से रोकेंगे, अपने आप को दिखाओ कि देखो मैं गुटखा खाता था तो मेरी ये दुर्दशा है, तुम खा रहे हो तुम्हारी क्या होगी। मैंने कहा हजारों को तुम रोक दोगे तब तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये तुम्हारे पापों का दंड है। अब सबको रोको कि ये गुटखा ना खाएं, ये गलत रास्ते पर ना चले। वो ऐसे करते हैं, अपने शहर अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने आप को दिखाकर मुझे देखो, मुझे, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, पेट भर पानी नहीं पी पा रहा हूँ, नली पड़ी है यहाँ, कैंसर के कारण मुंह बिल्कुल खराब हो चुका है,
बोल नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे करते रहते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, लिख कर एक उसमें लिख खड़े रहते हैं चौराहे पर, देखो मैंने गुटखा खाया तो मेरी ये दुर्दशा है, मुझे देख लो, तुम खा रहे हो तुम्हारी ये हो जाएगी। इसलिए क्यों अनमोल मानव का शरीर क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए कलयुग का पहला स्थान है द्यूत शराब, फिर द्यूतम जुआ, क्या है द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, जहां जुआ होता है कलयुग वहां भी प्रवेश, जहां जुआ है वहां भी कलह है। इसलिए जुआ, आप जुआ खेलते हैं? जुआ भी खेलते हैं, ये भी कलयुग का स्थान है। कलयुग यहां से भी तो आपके यहां तो दो दो जगह से प्रवेश कर रहा है, घर में तो बड़ी अशांति होगी फिर। शांति हो ही नहीं सकती, कलयुग घुसा पड़ा है आपके घर में, और ये कलयुग जिसके घर में ऐसे घुस जाता है ना, जुआ खेला था कौरवों ने तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। मैया को जगा दो, सोने लगते हैं अभी से। समझ रहे हैं, जहां जुआ होता है वहां नाश नहीं होता, वहां सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जुआ कौरवों ने खेला था, सर्वनाश हो गया। भरी सभा में द्रौपदी को जुआ में ही तो हार गए थे ना, ये जुआ यही तो है, पत्नी का अपमान हो रहा है जुआ के कारण। इसलिए जुआ ना खेलो वरना कौरवों की तरह परिणाम होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, मैया ओ पीछे वाली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ, जा रही हो घर, टीटा टा जल्दी आना। द्यूतम पानम, जहां जुआ है शराब है स्त्रिया, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ शराब, तीसरा स्त्रिया, जो पराई नारी पराए पुरुष पर दृष्टि रखे उन पर भी कलयुग सवार होता है। चरित्रहीनता, चरित्रहीन लोगों से बचना। यदि आप में से कोई किसी परनारी पर नजर रखे हुए है, किसी पर पुरुष पर नजर रखे हुए है, तो अपनी नजरें समेट लो और नजरें भगवान के चरणों में रखो। किसी और पर नजरें रखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण की नजरें माता सीता पर क्या लग गई, सर्वनाश हो गया। क्या स्पर्श क्या कर लिया माता सीता को, सर्वनाश हो गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इसलिए पराई नारी से बहुत बचना है। यदि स्पर्श भी कर लिया पर नारी का गलत निगाहों से, तो सर्वनाश की गिनती गिनना शुरू कर देना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। स्त्रियः, रावण जैसे पर सर्वनाश रावण, कर जोरे सुरद सिप विनीता भ्रगुट बिलोकत सकल सभीता। जिस रावण के यहाँ देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, जिस रावण के यहाँ देवता थर थर कापा करते थे, वो रावण का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। हाँ या ना? और सूपनखा की नाक किसके कारण कट गई, पराई पुरुष के चक्कर में। ये दोनों भाई बहन एक सी थे, भाई दूसरे की स्त्रियों पर नजर रखता था और ये दूसरे पुरुषों पर। सूपनखा और रावण, तो नाक कट गई। तो इस प्रकार द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, कलयुग का चौथा स्थान मांस, अंडा मुर्गी मछली मांस खाते हैं आप,
आप खाती हो मैया पीछे वाली, आप खाते हो मांस? मांस ना खाना, लोग खाते हैं मांस, इन सब बुराइयों से बचना चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन कदापि नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। चलो, तो ये चार स्थान है कलयुग के, तो और पांचवा है बेईमानी का धन, काम वासना, ये सब जो नारी का हमने कहा ना, ये काम वासना ही आ गई, जहां काम वहां कलयुग। काम भी दो प्रकार का होता है, जो आदमी अपनी पत्नी और अपनी पति में ही खुश है वह तो ब्रह्मचारी है, और जो अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री पुरुष पर नजरें हैं वह काम कलयुग को बुलाने वाला है। तो आपको ऐसे कुसंग से बचना है और सबको बचाना है।